प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अब पुलिस ना आए तो ऊपर से 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल को बुला लिया जाए, हर शहर गाजा का नक्शा पेश कर रहा है। इन सर्कमस्टेंसेस में डेमोक्रेट किस तरह जीत पाएगा, मेरे समझ में। मैं आई विल बी वेरी मच कंसर्न्ड कि इन सर्कमस्टेंसेस में अगर डेमोक्रेट जीतते हैं तो मैं इस पे, फिर मुझे ईवीएम पे शक हो सकता है कि उनकी बैटरी क्या थी। जिस तरह अगले दिन किसी ने भारत के अंदर इलेक्शन में कहा है कि बैटरियां कमजोर थी, तो जिससे हमारे कैंडिडेट आए। और उस पे लेकिन सर, इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका, वहां तो हम जो आप बता रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां ऐसा कुछ होता होगा। नहीं, देखें दो चीजें आरजू, इस वक्त इंफॉर्मेशन का दौर है। जब तक खबर बाहर नहीं निकलेगी तो पता क्या चलेगा। जिस तरह चाइनीज हैं, जिस तरीके से वो सेंसर अपना हर चीज करते हैं। दूसरा, आपके देखने वालों को ये बताऊंगा, आपके चैनल, आपके जो एशिया के स्पेशल चैनल्स हैं, आपका सीएनएन भी एशिया का अलग वर्जन है। हमारी खबरें वहां आपके पास इस तरह नहीं जाती। आपका टाइम मैगजीन भी अलग खबरें देता है, आपके इकोनॉमिस्ट वाले भी अलग खबरें देते हैं अमेरिका के। मैं आज आपको दूसरी बात बता आरजू, आप चाइना से खबरें बाहर नहीं आती, यहां से वहां नहीं जाती। आप सोच नहीं सकते कि चाइनीज सोसाइटी कितनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को, अमेरिका के अंदर अमेरिकनों को यही बताया जाता है कि वो भूख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। 140,000 किलोमीटर का उनका नेटवर्क है रोड्स का, 170,000 किलोमीटर का उनका फास्ट ट्रेन का उनका ट्रैक है। अमेरिका के अंदर कितना है? मेरे ख्याल में 300 मील या 400 मील। तो ये दर हकीकत इंफॉर्मेशन का दौर है। जब इंफॉर्मेशन, मैं फर्स्ट हैंड चीजें बता रहा हूं, मैं वॉशिंगटन डीसी से 40 मील दूर अभी भी बैठा हूं, आई एम नॉट सिटिंग, कि जहां पर दूसरा मेरा पैशन है, मैं मेरा सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि आई एम अ लॉयर, और तीसरा मैं थर्ड फोर्थ जनरेशन लॉयर हूं। मैं पॉलिटिकल साइंस सारी जिंदगी पढ़ी है, मैंने जमहूरियत मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मेरा दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, दिस इज व्हाट आई एंजॉय डूइंग इट। अब इसमें आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल किसी ने सही कहा था कि वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। ये बिल्कुल ये चीज सामने आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत, क्योंकि हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, दुनिया के अंदर जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है आरजू, जब तक उसको टाइम टू टाइम रिफॉर्म ना करें, वो क्रैक्स आ जाते हैं, खत्म हो जाता है। जमहूरियत के अंदर हमने रिफॉर्म नहीं किया, इसके अंदर हमने इसको ठीक नहीं किया और इसमें क्रैक्स आते जा रहे हैं। तभी अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, establishment is getting strong, वो powerful से powerful होती जा रही है, इसका फायदा उठा रहे हैं सियासतदान और आपकी bureaucracy, और वो लूट मार का काम है। check and balance system, अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ा secret check and balance system था, जो तीन बड़े अदारे थे, legislation, legislative, judiciary और executive branch, एक दूसरे को check करते थे। वो the system is getting old और खराब हो चुका है, corruption सर चढ़ के बोल रही है, और democracy has become a rich man's club, plus they have a new partner now is establishment. Siyasatdan jab 50 saal, Joe Biden, Baba Biden ki baat karunga, jab wo 50 saal, 52 saal Washington DC mein raha hai, he had become an employee of the Washington DC, jisko Donald Trump sahab kehte hain swamp. It has become a non-functioning town. I will drain the swamp. Lekin pichle 4 saal wo aake अपने लोगों को अपॉइंट नहीं करा सके, पिछली दफा वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अब भी मुझे ये शक है कि क्या वो आकर 4 साल अमेरिका को सेव कर पाएंगे, क्या उनको एस्टेब्लिशमेंट काम करने देगी, क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप सब खड़े हो पाएंगे, एक मुश्किल सवाल है। क्या CNN एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये जो फेक न्यूज है, क्या इसका सामना कर पाएंगे, क्या उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्ट उनको हासिल होगी, क्या अमेरिकन बच्चे जो आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, इनके दिलों से अमेरिका की नफरत को डोनाल्ड ट्रंप साफ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
अब दूसरी बात, आपके रीजन में जाते हैं, दो छोटी छोटी खबरें कवर करते हैं, इससे ज्यादा कि हमारे देखने वाले दोस्त जो है वो बोर होके तो वो साथ गाने ना लगा लें, वो भी बड़ा जरूरी होता है कि ह्यूमन माइंड इससे ज्यादा बातें सुन भी नहीं पाता, उसके एनर्जी सेल्स भी खराब हो जाते हैं। अब जो दो चीजें हैं इस वक्त, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है, और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल पेपर, व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिसॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजोल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है, भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे कि, और दूसरा इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू, जो पप्पू भाई हैं उनका, उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस, को ये जवाब दे, भारत का ये फायदा हुआ है। और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं, और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। दूसरा इसमें जो अब मैं बात करूंगा कि आपके जो आपके हालात क्या है, आपके हालात ये हैं आरजू के, कहा आपने एक दो तकरीरें मैंने आपके लेजिस्लेशन की सुनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है उमर अयूब साहब की है, और दूसरी मैंने ख्वाजा आसफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। मुझे ख्वाजा आसफ साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त लगी। उमर अयूब साहब ने मुसलसल हमले किए, दो फिक्रे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, दो फिक्रे मैं उनके भूल नहीं पाया। एक उन्होंने ये कहा था कि वक्त का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उसकी तेजी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चल रहा है। और दूसरा उन्होंने अब गिले किए, उन्होंने कहा जी मेरे फलाने एमएनए का घर तोड़ दिया गया, फलाने का पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, फलां का ये बिजनेस खत्म कर दिया गया, लेकिन और उन्होंने कहा कि कुछ एमएनए को चौथे फ्लोर असेंबली के अंदर उन्होंने बंद कर रखा। उन्होंने एक और बड़ा तारीखी फिक्रा, उन्होंने कहा एक पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस काट दी, बड़ा इतिहास किया। लेकिन जब साथ ही ख्वाजा साहब बोले तो उनके उन सारे सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आज भी अमरीका और पाकिस्तान, अमरीका में जाके जो इमरान खान के फिक्रे थे कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और टीवी बंद कर गूंज रहा, उन्होंने कहा है कि भैया चीखें निकल रही हैं तुम्हारे, फलां कर दिया। उन्होंने कहा इस हाल के अंदर नवाज शरीफ बैठा है जिसको अरेस्ट किया गया, उसका भाई भी जेल में था, उसका भतीजे दो जेल में थे, उसकी बच्ची भी जेल में थी, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, राणा सनाउल्ला जेल में था, मिफ्ता इस्माइल जेल में था। तो वाकई भैया बहुत जल्द घूमता। लेकिन इसमें सवाल एक है, आज हो गई ठीक है, क्या पाकिस्तान इससे आगे चल पाएगा? इस वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, कुछ नहीं। आप आगे इन 346 एमएनए आपके वहां बैठे थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, काश उन्हें एहसास हो कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरे एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है, कल मैंने जब अखबार पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज़पेपर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा है पंजाब की धीरानी, कि हर बच्ची का पंजाब में जिसकी शादी होगी उसको 1,00,000 रुपया कैश दिया जाएगा, खाना और फर्नीचर के कपड़े दिए जाएंगे।
साथ ही मुझे मेरी नजर से आपकी टाटा के एक प्रोग्राम मेरे जेन से गुजरा है, क्योंकि आजकल मैं रतन टाटा की वजह से टाटा पे ज्यादा फोकस हूं। टाटा के अंदर इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और वहां पे दो एसयूवीज जो बनाने के लिए उन सिर्फ और सिर्फ खवातीन, सिर्फ औरतें बनाती हैं। 1 लाख रुपया बिल्कुल देना, आपका क्या ख्याल है 1 लाख एक कुंबे के लिए, एक औरत के लिए कितने दिन चलेगा? आप उनको परमानेंट कोई सोल्यूशन क्यों नहीं देते? बिल्कुल दुनिया कर रही है। डॉक्टर यूनस ने माइक्रो फाइनेंसिंग की थी, जिसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेशी औरतों ने उठाया था। उसने उसी के बेस के ऊपर नोबेल प्राइज लिया और आज बांग्लादेश को चला रहा। आप 1 लाख रुपया रिश्वत दे रहे हैं उनको वोट खरीदने के लिए, जब 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? क्यों नहीं ये 346 MNA और आपके चलाने वाले इन चीजों पर जोर देते? क्या वजह? अपने बच्चे लंदन पढ़ाते हैं, कौम के बच्चे गाना। और 1 लाख की क्या वैल्यू है आजकल के जमाने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैल्यू। किसी रेस्टोरेंट अच्छे में खाना खाने जाएं तो 30,000 रुपए बिल आ जाता है। दो दफा आप बड़ी गाड़ी का पेट्रोल डालें तो 1 लाख रुपया खत्म हो जाता है। लेकिन उन औरतों को क्यों नहीं आगे लेके आया जाता? क्या वजह? लेकिन चले इसके, मैं समझता हूँ कि आज हमारा अच्छा रहा प्रोग्राम और डेफिनेटली इसके बाद अपडेट करेंगे। अभी 5 नवंबर है, मैं 5 नवंबर तक फिर मुसलसल आपको बताता रहूंगा। रिसेंटली 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वीकेंड के ऊपर मैकडोनल्ड पे काम किया है। दूसरा, मैकडोनल्ड की 2012 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैकडोनल्ड की एक एड में काम किया था और डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर थे कि व्हाइट हाउस में अपने मेहमानों को भी कई दफा क्वार्टर पाउंडर बर्गर मंगा के सर्व करते थे। फ्रेंच फ्राइज उन्होंने सर्व की और उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस झूठ बोलती थी। अब मैंने आज कैमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। दूसरी तरफ बात यह थी कि कैमला हैरिस की 60th बर्थडे थी, जिसपे उन्होंने स्टीवी वंडर का गाना लगा के उसको सेलिब्रेट किया है। वहां से निकली हैं तो एल शार्पटन एक न्यूयॉर्क के एक हैं, लीडर हैं सियासी, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक दूसरे के ऊपर ताबड़ताड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं। स्विंग स्टेटों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन वहीं पर होगा ज्यादा से ज्यादा। अगली दफा हम आएंगे तो आपको एक काउंटी, विस्कॉन्सिन की एक काउंटी है जिसके बारे में ये मशहूर है, वो हमेशा प्रेसिडेंट का होता है वहां से। उस काउंटी के बारे में मशहूर है कि वो उस काउंटी को जो जीतेगा वो विस्कॉन्सिन जीतेगा। विस्कॉन्सिन इज अ क्रूशियल स्टेट दिस टाइम। अगले प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम दोबारा जो है जो अपडेट्स होंगी इलेक्शंस की उस पर जरूर बात करें, इसलिए कि आप जिस तरह से समझाते हैं वो लोगों को बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि हम लोग भी समझ सकें कि अमेरिकन इलेक्शंस में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। नवरात्रि की मुबारकें देनी थी, दिवाली आने वाली, तैयारियां हैं। मेरे पास इनविटेशन है कई दोस्तों की, यहाँ वर्जीनिया के, मैरिलैंड के कई मंदिरों में मैं जाऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा, सबको बताएगा मेरी तरफ से। अल्लाह ब्यूटी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी और साजिद अलरस आपका पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आएंगे, खासकर हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।